हेलो गाइस, वेलकम टू विकास एकेडमी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की सीरीज में ये हमारा नाइन्थ प्रॉब्लम होगा गाइस। और इस प्रॉब्लम में जैसा कि आप देख रहे हैं, डायमेंशंस जो है मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, ड्राफ्टर का यूज़ नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैंने इस जितनी प्रॉब्लम है उसे मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कितनी डायमेंशन हमें कहाँ पर लेनी है और कितना हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारी दी गई है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये देखिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ये हमारी ऑरेंज कलर में जो आपको एरो दिख रही है वो टॉप व्यू को डिनोट कर रहा है। ग्रीन कलर की एरो जो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब हम इधर से देखने वाले ऑब्जेक्ट को, उसे डिनोट कर रहा है। और ये वाइट कलर की एरो जो है वो फ्रंट व्यू को डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो डायमेंशंस आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए गाइस, फ्रंट व्यू बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू की ओर अगर बढ़ते हैं सबसे पहला स्टेप, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर हम फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करें इस ऑब्जेक्ट की, तो हमें क्या क्या दिखने वाला है। ये पोर्शन मैं कलर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको फ्रंट व्यू में ये पोर्शन आपको दिखेगा। ठीक है, अगेन आपको ये पोर्शन दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे आगे ड्राइंग हमारी, ये पोर्शन आपको दिखने वाला है। ठीक है, फिर से आपको ये वाइट में जो कलर पोर्शन जो है वो हमें दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी फ्रंट व्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लेंथ सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो रेक्टेंगल जो बनेगी फ्रंट व्यू में, और उसे बनाने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसकी जो LHSV है वो हमारे राइट हैंड साइड में बनेगी, राइट साइड में बनेगी। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है, और ये जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, टोटल लेंथ 110 mm है। हाइट इसकी जो दी गई है वो हमें हमारी कितनी है, 60 mm है। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली 110 mm और 110 x 60 का क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल बनाना होगा। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं गाइस। ठीक है, दिस इज आवर, ये लेंथ जो है हमने अभी ड्रॉ किया है, ये कितना है, ये 110 है। ठीक है, 110 ये लेंथ है हमारी, और हाइट जो है वो कितनी है हमारी, 60, ये देखिएगा। ठीक है गाइस, और हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगल बना लेना है इस तरीके से। ये हमारी रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और 30 mm लेफ्ट वार्ड आ सकते हैं यहाँ से। मीन्स अगर मैं 30 mm यहाँ से स्टार्ट करूँ और लेफ्ट वार्ड आऊँ यहाँ पे 30 mm, 30 mm यहाँ पे आना है, और वहाँ से हमें 25, मीन्स यहाँ पे ये 25, क्योंकि ये देखिए 25 में आया हूँ, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 25 है, और इतना आके हमें इसे मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारी ये पोर्शन मिल जाएगी, लेकिन इस पोर्शन में ये हमारा 30, ये जो है 40, 110 में 70 को जब घटाएंगे तो ये 40 बचेगा, तो 40 हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो हम इसे क्या करेंगे, 40 इसे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये 40 भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि अगर ये 70 है, ये 30 है, तो ये जो पोर्शन बचेगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो ये हमें 40 मिल गई, ये 30 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये दोनों फेसेस मिल गई हैं। अब जो ये फेस है हमारा 40, इसकी कितनी है लेंथ, 40 है, और ये देखिए 40 है, मतलब यहीं से ये हमें दिखेगा। ठीक है, तो हम यहीं से क्या करेंगे, इसे ऊपर की ओर ड्रॉ कर देंगे इसे यूं। ठीक है गाइस, तो ये हमें मिल गई फेसेस। अब देखिए, मैं डार्क करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फेसेस जो है वो हमें मिली है। फ्रंट व्यू तो हमें मिल गई, टॉप व्यू, टॉप व्यू के लिए हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे सारे पॉइंट से। ठीक है, प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर ली। अब हम देखेंगे कि टॉप व्यू में हमें कौन सा पार्ट मिलने वाला है। तो ये ऑरेंज पार्ट जो आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर से किया हुआ, ये आपको टॉप व्यू में मिलेगा गाइस। सबसे पहले टॉप व्यू में तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, तो उस रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी वो आप बताइए। उसकी लेंथ तो 110 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेंथ मिलेगा, और ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 55 हमें दी गई है। तो 55 इंटू
110 का हमें मिलने वाला है रेक्टेंगल। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, जितना ये गैप है हमारा उसी गैप से हम क्या करेंगे, ये 110 mm की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और यहीं से नीचे हम आएंगे कितना, 55, ये हमने 60 लिया था तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब इतना हमारा क्या होगा 55। और हम बना लेंगे एक रेक्टेंगल गाइस, ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है, 110 गुने 60 का, ये हमने क्या, सॉरी 55 का हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल बना लिया है। इस रेक्टेंगल में इस पार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये इतना फेस हमें मिलने वाला है जो ऑरेंज कलर से हमें दिख रहा है यहाँ पे कलर्ड पार्ट। तो हम कितना आएंगे लेंथ, हम देखिए यहाँ से 55 पूरा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी कितनी थी, 30 थी। तो ये देखिए हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें बनाना, मैं इसे थोड़ा डार्क करके बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए ये पार्ट है हमारा, यहाँ से हम नीचे आए ये हमें मिलने वाला है, ठीक है, इतना तो हमें मिला। अब ये देखिए ये कितना है, 30 है। तो 30 तो हमने इसी को प्रोजेक्ट कराया है, हमारे टॉप ये हमारे फ्रंट व्यू मुझे 30 मिल रहा था, हमें 40 ये मिल रही थी, 40 ये मिल रही थी, 30 ये मिल रही थी, तो इसी 30 को तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कराया है। तो यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है, टॉप व्यू में आप देखिएगा यहाँ तक हम आए। और अंदर कितना जाना है, 40 जाना है हमें, हमें 40 जाना है अंदर, मीन्स हम ये गए 40, ठीक है। और 40 जाने के बाद 40 हमें लेफ्ट जाना है, तो 40 वाली लाइन ये है हमारी, तो यहाँ तक हम आएंगे 40 लेफ्ट आएंगे। और ये ऊपर इस कॉर्नर को मैं बना रहा हूँ और फिर मैं इसे मिलाऊंगा, तो मैं इसे करता हूँ ऊपर और लास्ट फाइनली हम इसे मिला देते हैं। तो ये हमें मिलेगी ऑरेंज वाली पार्ट। इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन जो है, आप यहाँ से एक लाइन को प्रोजेक्ट करा के यहाँ तक डालिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, हमें ये ऑरेंज पार्ट हमें मिलने वाला है। तो 30 यहाँ से इस कॉर्नर से अगर हम लेंगे तो हम कितना 40 अंदर जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। क्यों 40 जाएंगे, ये हमारी 40 है, इसी को प्रोजेक्ट कराते 40 हम यहाँ तक गए। क्यों गए 40, क्योंकि 30 के बाद अगर हम 70 में से 30 को घटाएं तो ये हमें 40 मिलेगा इस कॉर्नर तक, तो हम 40 यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। 40 जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ तक जाएंगे। इस लाइन को मैंने इसीलिए प्रोजेक्ट कराया है यहाँ तक, यहाँ तक क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें अंदर कितना जाना है, यहाँ से अंदर हमें जाना है 40 mm, तो हम 40 mm के लिए ये रेफरेंस लिया, क्योंकि 40 mm हमने यहाँ से मूव किया था ऊपर। तो यहाँ तक हम आएंगे 40 mm, ठीक है। 40 mm यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट हम एंड तक जाएंगे, क्योंकि ये देखिए 40 mm आने के बाद लास्ट एंड तक जाएंगे और उसे इस एंड तक मिला देंगे, मीन्स हम लास्ट यहाँ तक जाएंगे एंड फाइनली वी मीट दिस पॉइंट हियर। ये टॉप भी हुई और आउटलाइंस आपको कुछ ऐसी यहाँ पे दिखने वाली है। अब हम गाइस बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट व्यू से प्रोजेक्ट करा लेंगे लाइन जितने भी कॉर्नर्स हैं हमारी। अब देखिए ये जो हमारी टॉप व्यू मिली है, यहाँ से हम सारे पॉइंट को वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कराएंगे, जितने भी हमारी कॉर्नर है वहाँ से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हम पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कराएंगे। देखिए इतना कराने के बाद आप क्या कीजिएगा, 45 डिग्री इंक्लाइन करके इसे एक्स एक्सिस पे आप इन सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कराइएगा, ठीक है। 45 डिग्री इंक्लाइन करके हम एक्स एक्सिस पे इसे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, और ये करने के बाद फिर क्या कीजिएगा, इन जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ऑब्टेन हुआ इसे हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है गाइस, इसे आप अपवर्ड प्रोजेक्ट कराइए कुछ यूं, सॉरी, एंड इसे फाइनली यहाँ पर, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब देखिए, अब देखिए हमें ये ग्रीन वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर लेफ्ट से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमें ग्रीन वाला पार्ट्स जो है वो मिलने वाला है गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए आपको अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ आप जो कीजिए क्या, जैसे कि ये देखिए ये जो पार्ट है इतने में हमें साइड व्यू मिलने वाला है, ठीक है।
ये हमें इतने में साइड व्यू मिलने वाला ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इस लाइन को भी हमने क्या किया है यहाँ पे प्रोजेक्ट कराया है, और इस लाइन को हमने क्या किया है ऐसे प्रोजेक्ट कराया है, तो हमें साइड व्यू कितने में मिलने वाला है, इस रेक्टेंगल में मिलने वाला है साइड व्यू हमें, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में साइड व्यू मिलने वाला है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मतलब अगर इधर जाएँ, तो यहाँ पर हमें ये रेक्टेंगल मिल रहा है हरे कलर का। अब ये कौन सी रेक्टेंगल है देख लीजिए, ये रेक्टेंगल ये वाली है, ये रेक्टेंगल है हमारी ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल ये है जो हरा हमें दिख रहा है ये साइड। उसके बाद हमें जस्ट कंटिन्यूअसली ये दोनों हमें कंटिन्यूअस दिखेगा, ये हरा वाला रेक्टेंगल एक तो इस ब्लॉक में दिखेगा और इसके जस्ट बाद का ब्लॉक ये है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये हरा वाला रेक्टेंगल। लास्ट में यहाँ पे हमें नीचे ये दिखेगा जो कि एकदम कंटिन्यूअस होगा ऊपर वाले रेक्टेंगल के नीचे, ठीक है। तो एरिया को मैंने बाउंड यहाँ पे बाउंड कर दिया है ताकि आपको क्या हो समझ में आए। तो ये देखिए मैं आउटलाइंस बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट से अगर बात करें, बॉटम से बात करें, तो सबसे पहले ये छोटा सा हमें रेक्टेंगल मिलने वाला है 25 जिसकी लेंथ है। अब लेंथ हमें यहाँ पे ब्रेथ इसकी पता नहीं है, तो ब्रेथ के लिए हमें क्या यहाँ से हमने प्रोजेक्ट कराया है इसको यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बनाएंगे इस रेक्टेंगल को। ये देखिए ये हमें दिखने वाला है रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल के जस्ट ऊपर ये जो है सरफेस, ये हमें नहीं दिखेगा, तो इसके बाद जस्ट हमें ऊपर ये दिखेगा, तो इसे हम यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसे यहाँ से बना लिया, और इसके जस्ट बाद ये सरफेस हमें इधर से नहीं दिखने वाला लेफ्ट से, तो ये 40 जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है, तो इसके जस्ट बाद कंटिन्यूअसली हमें ये वाला ब्लॉक दिखेगा हरा वाला ब्लॉक। तो हरा वाला ब्लॉक, अब इसकी लेंथ ब्रेथ से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रेथ हमें पता है लेंथ हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे सीधा इसे लास्ट तक ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर, इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए ये चीज़। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक बना दिया, तो अब जो ये पार्ट मिला हमें हरा कलर का, ग्रीन कलर का ये पार्ट मिला है, ये बॉटम वाला पार्ट है हमारी, इसके बाद ये पार्ट है, और फाइनली ये वाला हमारा ये पार्ट है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी हमने गेन कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।